और बीच में प्रोफेसर सुनीता जी और वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। सुनीता जी, आज जो ये छठवा महा रगड़ सम्मेलन हो रहा है तो इसका एक क्या उद्देश्य है, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। नमस्कार, मैं सुनीता गाडा गामलिया, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। इसके अलावा मैंने रैगर समाज के ऊपर, स्पेशली रैगर महिलाओं के राजनैतिक और शैक्षिक विकास के ऊपर PhD भी करी हुई है जी। और मैं ये चाहती हूँ कि इस टाइप के सम्मेलन जो हैं वो आयोजित होते रहने चाहिए। इससे आज जिस तरीके से हमारे सम्मेलन में मैंने बहुत सारे लोगों की एकजुटता देखी है, खासकर एक जाति की एकजुटता देखी है, इससे लोगों ने खुद अपनी मंशा व्यक्त की है कि वो समाज के लिए, जो आज से बहुत साल पहले, आज से 20-30 साल पहले हमारा, ये तो छठा सम्मेलन है, इससे पहले भी पहला दूसरा सम्मेलन में जिस तरीके से लोगों ने जिस जोश से शिद्दत की थी रैगर सम्मेलन के अंदर, वो जोश आज भी इतने सालों बाद भी 2018 में भी वो जोश कम नहीं हुआ है। आज भी जातिगत लोगों में जोश है, लोगों में एकजुटता है, जिसकी वजह से, और लोग अपने समाज का भला करना चाहते हैं, लोग अपने समाज का उत्थान करना चाहते हैं। इस एकजुटता का मकसद जो है वो ये है कि हमारा समाज आगे बढ़े 2018 के अंदर, इस दिल्ली के अंदर। और ये भी एक बड़ी ही खास बात है कि दिल्ली के अंदर रैगरपुरा, जो कि एक जाति के नाम पर एक एरिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम लोग एक ज़माने में अपनी जाति के नाम पर रैगरपुरा जो था उसको स्थापित कर पाए, और आज ये जो इतना बड़ा सम्मेलन है, इसकी इतनी आबादी है, तालकटोरा स्टेडियम में ये आबादी जो है समाई है, और ये सम्मेलन इसी बात का द्योतक है कि हमारा जो समाज है प्रगतिशील समाज है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी एकजुटता देखने को है। राजस्थान, महाराष्ट्र, कई जगह से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे जो दिनों ने द रैगर वेबसाइट भी, हमारी इसके अलावा वेबसाइट भी है, हमारे ब्रिजेश हंजावलिया जी भी इसमें आए हैं, जो कि मध्य प्रदेश से उन्होंने शिरकत करी है। तो वेबसाइट हो गई, लोगों की एकजुटता हो गई, ये आपने देखी होगी सम्मेलन में, तो आज भी हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ रहा है। प्रोफेसर साहिब, अब देखा गया है कि ये अनुसूचित जाति कुछ शिक्षा में सबसे पीछे धकेला जा रहा है, क्योंकि आप दिल्ली के प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अभी ये जो बजट आया है उस बजट के अंदर 70-30 का रेशो है, 70-30 का रेशो है कि 70 गवर्नमेंट देगी, 30% जो है वो स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी अपनी कहीं से भी दें। तो जो बच्चे 7,000 फीस दिया करते थे या 5,000 रुपये फीस दिया करते थे, वो इस समय 70,000 और 45,000 रुपये कैसे देंगे? तो एजुकेशन पर तो ये रोक लगा रहे हैं ना, तो आगे बढ़ने के और क्या तरीके हैं? आगे बढ़ने के ये तरीके हैं कि चाहे कोई भी, हमारा समाज एक दलित समाज है, दलित समाज को आगे बढ़ने के लिए जो है सबसे पहले जो है, हमारा समाज तो लड़कियों की शिक्षा की तरफ बहुत साल पहले, आज से हमारा आर्य कन्या रैगर महाविद्यालय जो कि रैगरपुरा में ही स्थापित है, हमारा समाज लड़कियों की शिक्षा के प्रति, हमारी सरकार तो आज आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारा समाज तो आज से बहुत साल पहले आर्य समाज को हमने स्वामी दयानंद सरस्वती को अपना गुरु बनाया, ठीक है। और आज हमारा समाज जो है अंबेडकर को भी मान रहा है, और अंबेडकर की विचारधारा के ऊपर चलते हुए शिक्षा की तरफ जो है हमारा समाज आज भी अग्रसर है शिक्षा को लेकर, क्योंकि मैं ये समझ सकती हूँ कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या गरीब तबके के लोग हैं, वो आगे बढ़ने के लिए जो है शिक्षा उनके लिए बहुत बड़ा माध्यम है।